तो दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा जॉर्ज ऑरवेल की एक नोवेल 1984 की। दोस्तों इस नोवेल को मैंने हाल ही में पढ़ा है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। जो लोग लिटरेचर से जुड़े हुए हैं उन्हें तो ये नोवेल पढ़नी ही चाहिए, लेकिन खासतौर पर जो पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं उनको भी ये नोवेल पढ़नी चाहिए। एक्चुअली ये नोवेल मुझे अभी तक किसी कॉलेज के कोर्स में नहीं दिखी, लेकिन फिर भी मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको भी ये नोवेल बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। लेट्स बिगिन। ये नोवेल 1984 एकाधिकारवाद पर है, एक एकाधिकारवादी सरकार जो जीवन के हर एक पहलू को कंट्रोल कर रही है। लोग जो अपनी जिंदगी का हर एक मिनट स्पेंड कर रहे हैं, इवन प्राइवेट में भी, कोई ना कोई उन्हें हर वक्त देख रहा है, उन पे हर वक्त नजर रख रहा है, वो किसी ना किसी के साथ हर वक्त जुड़े हुए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट तो ये भी कंट्रोल करना चाहती है कि लोग सोचते क्या हैं और वो किस चीज पर विश्वास रखते हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने इस नोवेल 1984 को 1940 के दशक के आसपास लिखा था और वो बेहतर तरीके से जानते थे कि उस वक्त ऐसा माहौल विश्व के किस हिस्से में था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, रशिया और जर्मनी। रशिया में जोसेफ स्टालिन और जर्मनी में अडोल्फ हिटलर। जैसा इस नोवेल में बताया गया है कुछ वैसा ही माहौल अपने देशों में हिटलर और स्टालिन ने भी कर दिया था। एकदम एकाधिकारवादी सरकार, सरकार हर चीज पे नजर रख रही है। इस नोवेल में जॉर्ज ऑरवेल ने एक क्लियर पिक्चर दिखाने की कोशिश की है कि अगर इंग्लैंड जैसी एक फ्री कंट्री में रशिया जैसा माहौल हो जाए तो कैसा हो, बहुत बुरा हो। 1984 की सेटिंग है लंदन शहर में। इस नोवेल में लंदन एक डिप्रेसिंग प्लेस है जहाँ कुछ भी खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, चलने फिरने को नहीं है, जहाँ चारों तरफ वॉर चल रही है, युद्ध चल रहा है। आम जनता को तो ये पता भी नहीं है कि क्यों ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अचानक गलियों में रॉकेट्स आके गिर जाते हैं, फट जाते हैं। और सबसे बुरी चीज़ तो ये थी कि गवर्नमेंट सब कुछ देख रही थी कि लोग क्या कर रहे हैं। शहर में चारों तरफ पोस्टर्स लगे हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, बड़ा भाई सब कुछ देख रहा है। शायद ये बिग ब्रदर शहर का सबसे बड़ा नेता है, जैसा कि रशिया में स्टालिन था और जर्मनी में अडोल्फ हिटलर। गवर्नमेंट ने शहर के चारों तरफ हिडन कैमरास और माइक्रोफोन्स लगा रखे हैं। गवर्नमेंट तुम्हें तुम्हारे घर में भी देख रही है, बाहर भी देख रही है, टीवी स्क्रीन्स के माध्यम से सब जगह तुम्हें देख रही है और तुम अपने टीवी बंद नहीं कर सकते। इस समाज में बहुत सी ऐसी चीज है जो तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, और अगर तुम करते हो तो पुलिस तुम्हें अपनी हिरासत में ले सकती है और तुम्हें बहुत टॉर्चर किया जाएगा। तुम अपने क्लोज फ्रेंड्स नहीं बना सकते, तुम प्यार नहीं कर सकते, तुम किसी के साथ डेट पे नहीं जा सकते, इवन तुम किसी के साथ सेक्स भी नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी जिंदगी की जितनी भी इमोशनल एनर्जी है वो सब गवर्नमेंट के लिए सेव करनी होगी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में, उसको एनकरेज करने में। और तुम्हें गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम्स देखने पड़ेंगे जो टीवी पे प्रसारित होते हैं, जो भी न्यूज होती है, एक्सरसाइज होती है सरकार की, वो सब तुम्हें देखनी पड़ेगी चाहे तुम्हारी इच्छा हो या नहीं हो। तुम्हें रैली वगैरह अटेंड करनी होगी। अब सोचो इतना सब करने के बाद तुम्हें खुद के विचारों को सोचने का टाइम कहां से मिलेगा। 1984 में एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है विंस्टन स्मिथ। ये 39 साल का एक आदमी है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, मतलब ये गवर्नमेंट के लिए काम करता है। विंस्टन भी एक बेकार सी जिंदगी जी रहा है जैसा कि बाकी सब जी रहे हैं। इस नोवेल की स्टार्टिंग में विंस्टन स्मिथ एक डायरी लिख रहा है कि वो कैसे इस बेकार सी जिंदगी से कितनी नफरत करता है, वो सब लिख रहा है। अब यहां तक कि वो जो डायरी लिख रहा है वो भी गवर्नमेंट की नजर में एक क्राइम है जिसके लिए उसे मारा जा सकता है अगर उसे पकड़ लिया जाए तो। ये डायरी एक सबूत है कि वहां की सोसाइटी कैसी है, और स्मिथ कल्पना करता है कि लाइफ अगर इससे डिफरेंट होती तो कैसा होता, ये क्या कचरा लाइफ है, ये क्या कचरा जिंदगी है जो हम सब जी रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो विंस्टन सोच रहा है अपने दिमाग में उसे ये सब सोचने का कोई हक नहीं है, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट ने सारी हिस्ट्री वगैरह की सारी बुक्स जला दी है। गवर्नमेंट अपना खुद का एक नया इतिहास लिखना चाहती है। ये बुक जो स्मिथ के पास है ये भी उसने किसी कबाड़ी पता नहीं कहां से खरीदी है। ये सब जो वो सोच रहा है ये एक बाघीपने की निशानी है कि तुम सरकार के अगेंस्ट जा रहे हो। अब नोवेल में स्मिथ के अलावा दो और लोग हैं जिनसे स्मिथ अट्रैक्टेड है थोड़ा सा, और वो उन दोनों को जानता भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने का कोई हक नहीं है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। अब उन दोनों में से एक लड़की है जिसका नाम है जूलिया, जो कि एक अट्रैक्टिव यंग लड़की है,
और जिस बिल्डिंग में स्मिथ काम करता है, विंसन स्मिथ, उसी बिल्डिंग में वो एक मैकेनिक का काम करती है। स्मिथ उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो उसे पा नहीं सकता। वो उससे थोड़ा डरता है और थोड़ा प्रेम भी करता है, पसंद करता है मतलब। लेकिन बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, तुम्हें प्रेम करने का भी कोई हक नहीं। अब दूसरा आदमी जिससे वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड है, यानी कि वो उसे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाँ ये आदमी मेरी भावनाओं को समझ सकता है, उस आदमी का नाम है ओब्रायन, जो एक मोटा सा आदमी है और इनर पार्टी का मेंबर है। मतलब वो स्मिथ से हाई पोजीशन पर है। स्मिथ इससे भी थोड़ा सा डरता है लेकिन सोचता है कि ओब्रायन एक इंटेलिजेंट आदमी है, तो स्मिथ समझता है विंस्टन स्मिथ की बात हो रही है, कहानी के हीरो की। वो ये समझता है कि ओब्रायन उसकी भावनाओं को समझ सकता है कि हम कैसी बकवास जिंदगी जी रहे हैं, कैसे समाज में जी रहे हैं। मतलब वो नोवेल में एकमात्र आदमी है जो उसके विचारों को समझ सकता है, लेकिन वो उसे फ्रेंड नहीं बना सकता, उससे बातें नहीं कर सकता क्योंकि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। अब एक दिन बुक एक टर्न लेती है। कैसे? जब जूलिया एक छोटी सी पर्ची स्मिथ को स्लिप कर देती है, यानी कि स्मिथ के पास एक छोटी सी पर्ची छोड़ के जाती है लिख करके, और उसमें लिखा रहता है कि स्मिथ आई लव यू। अब यह पर्ची जो है स्मिथ की पूरी दुनिया ही बदल देती है। ऑफ कोर्स वो इंटरेस्टेड था, वो इंटरेस्टेड था जूलिया में, वो उसे टच किए बिना अब रह नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों उन दोनों बेचारों को प्राइवेट में ये बात कहना, मतलब एक तरह से समझ लो बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, मतलब कितना मुश्किल था कि वो दोनों आपस में ये प्राइवेट में छोटी सी बात कर लें। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चारों तरफ कैमराज और माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, लेकिन फाइनली उन दोनों ने मैनेज कर ही लिया, उन्होंने अपने प्रेम को एक दूसरे से बता दिया। अब जो ये सीक्रेट लव अफेयर था ये आगे बढ़ रहा था, वो दोनों हैप्पी फील कर रहे थे, लेकिन ये बहुत डेंजरस था। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो उनका ऐसा हाल किया जाएगा कि खैर, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। स्मिथ कानूनों का उल्लंघन कर रहा था, अब वो अपने प्रेम के नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहता था, वो अब पूर्णतः गवर्नमेंट के प्रति बागी बनना चाहता था। अब वो समझने लगा था कि इस समाज से मैं लड़ूंगा। ठीक है, अब नोवेल आगे बढ़ती है। एक दिन ओब्रायन स्मिथ को अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करता है, कहता है कि स्मिथ तुमसे कोई काम है, आओ। स्मिथ अपने दिमाग में सोचता है कि ओब्रायन ने मुझे इस तरह क्यों बुलाया, शायद वो भी मेरी तरह गवर्नमेंट के प्रति बागी बनना चाहता है, क्योंकि कोई भी इस तरह उस समाज में, जिस समाज में विंस्टन और ओब्रायन वगैरह रह रहे थे, किसी को अपने घर में कोई भी इनवाइट नहीं करता, क्योंकि फ्रेंड्स भी बनाने का तुम्हें हक नहीं है। तो विंस्टन स्मिथ जूलिया को लेकर के ओब्रायन के घर जाता है और वो अपने रिलेशनशिप के बारे में ओब्रायन को बताता है। तो ओब्रायन उससे बोलता है कि हाँ, मैं भी एक बागी हूँ। ओब्रायन विंस्टन को एक बुक दिखाता है, जिस बुक में वो बताता है कि इस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है कि चीज़ें कैसी है, ऐसी क्यों हैं चीज़ें। स्मिथ उस बुक को लेकर के अपने घर पे चला जाता है, उस बुक को पढ़ता है। वो अपने घर में जूलिया के साथ होता है, लेकिन जैसे ही वो उस बुक को पढ़ता है, वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे और जूलिया दोनों को अपने साथ ले जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लव में टॉर्चर करने के लिए। तो दोस्तों हमें यहाँ क्या पता चला, ओब्रायन बागी नहीं था, वो बस विंस्टन स्मिथ को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मिनिस्ट्री ऑफ लव में ले जाकर के विंस्टन स्मिथ को टॉर्चर किया जाता है, उसकी हड्डियां, उसके दांत वगैरह सब कुछ तोड़ दिया जाता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, भूखा रखा जाता है, उसके साथ बहुत बुरा करते हैं। तो स्मिथ उनको सब कुछ बता देता है, जो कुछ वो पूछते हैं सब कुछ कन्फेस कर लेता है, जूलिया के बारे में सब कुछ बता देता है। उसको इतना टॉर्चर करने के बाद एंड में उससे कहा जाता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है तुम समझे नहीं शायद विंस्टन, गवर्नमेंट सब लोगों के माइंड पे कंट्रोल करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग उनके अनुसार चले, गवर्नमेंट कहे 2 और 2 5 होते हैं तो वो सही है, हाँ 2 और 2 5 ही होते हैं। तो फाइनली दोस्तों उसको रूम नंबर 101 में ले जाया जाता है, वहाँ उसके साथ एक भयानक चीज़ की जाती है, उसके मुँह को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और उस बॉक्स में चूहे डाल दिए जाते हैं। वो चिल्ला करके बोलता है कि ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो तुम लोग, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने किया क्या है, जूलिया के साथ करो ये सब, जूलिया ने किया जो कुछ किया है। तो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ लव में होता क्या है, उन दोनों को अलग किया जाता है, जूलिया को ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाता, दोनों को छोड़ दिया जाता है एंड में। अब विंस्टन और जूलिया आपस में मिलते तो हैं लेकिन सिर्फ काम की बात करने के लिए, प्यार नहीं करते एक दूसरे से।
क्योंकि जब वो दोनों टॉर्चर रूम से बाहर निकले तो बेचारे टूट चुके थे। स्मिथ तो अब बागी होने का ख्याल भी दिमाग में नहीं लाना चाहता था। दोस्तों कहानी का अंत कुछ इस तरह से होता है कि स्मिथ एक कैफे में बैठा हुआ है, गाने सुन रहा है, अखबार पढ़ रहा है और स्माइल कर रहा है। इस नॉवेल के कुछ आखिरी शब्द ये थे कि बिग ब्रदर तुम्हें बहुत प्यार करते हैं विंस्टन, बिग ब्रदर लव्स यू। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये नॉवेल 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल? कि फिलहाल उत्तरी कोरिया में कुछ समय पहले ऐसा ही माहौल था, अब ऐसा नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही माहौल था, जहां एकाधिकारवादी सरकार होती है वहां के लोगों की जिंदगी एक नर्क से कम नहीं होती। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।